राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर वहां के एक पब का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक चीनी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का मशहूर पब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स है और महिला नेपाल में चीनी राजदूत हो यांग की है। राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस की सफाई आई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया है कि राहुल गांधी मित्र देश नेपाल में एक निजी शादी समारोह में हिस्सा लेने गए हैं। सुरजेवाला ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ केक काटने नहीं गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि निजी शादी समारोह में जाना अब तक तो अपराध घोषित नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें।